सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के पन्ने पर लिखा है। दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। आज का पंचांग 5 जुलाई 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह 10:14 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 11:02 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:26 से 7:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 5:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और ऐश्वर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 5 जुलाई 2020 दिन रविवार। अच्छा, आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहे कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यही समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। अच्छा, आपका पूरा दिन प्यार व धन निवेश संबंधित कार्यों में व्यतीत होगा। कोई पैतृक संबंधी मसला भी हल होने की संभावना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज उससे संबंधित सभी काम निपटाने की कोशिश करें। आज के दिन आपके लिए बार बार मूड में बदलाव होने वाला रहेगा। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी से बचना होगा। जल्दबाजी आपका नुकसान करा सकती है। आपके काम में मन नहीं लगेगा। यदि किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें और विलम्ब हो। जल्दबाजी ना करें। हर कार्य अपनी गति से अपने समय से ही संपन्न होगा। कार्य के क्षेत्र में किन्हीं नए व्यक्तियों से मुलाकात होने के योग हैं। धैर्य और सहनशीलता इस समय लाभदायक रहेंगी। बिजनेस के मामले में किसी सौदे में जल्दबाजी ना करें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेमियों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। रिश्तों में आप काफी भावुक रहेंगी। सावधानियां, अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें, क्योंकि आजकल आपके स्वभाव में अकारण ही उग्रता आ जाती है, जिसका असर आपके परिवार और व्यावसायिक स्थल दोनों पर पड़ रहा है। लव लाइफ की बात करें तो आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें और आप अकेले ही नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दे कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगी। परिवार में बच्चे के विवाह से संबंधित कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी योजना बनेगी। रिश्तेदारों और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। करियर की बात करें तो अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और
सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आज आपकी इस विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी, परंतु यह भी ध्यान रखें कि मेहनत बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। सेहत की बात करें तो शाम तक का समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकार के एक्सरसाइज जैसी योग ध्यान आदि से आप अपनी अच्छी सेहत के रास्ते में आने वाली हर बाधा से पार पा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ बढ़ती दिखाई दे तो उसके लिए लापरवाह ना हो, तुरंत डॉक्टर की मदद लें और उनसे कहें कि आपको कोई हल्की दवा दे दें जिससे आप ठीक हो जाएं। आज का उपाय, आज अब सूर्य पूजा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।